सभी दर्शक देख रहे होंगे, आज हमारे पास एक समाज के लोग आए हैं और वो स्टूडेंट भी हैं और भगवान को खोज में निकले हुए थे। तो वो कैसे सहजों को पकड़ा है और कैसे उन्होंने अपने परिवार को क्या क्या बदला कैसे किया वो हम सुनाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि सहजों एक ऐसी साइंस है जो हर जगह काम करती है। साइंस तो मेडिकल में करती है, लेकिन ये साइंस ऐसी है सहजों की, ये व्यापार में भी करती है, गृहस्थी में करती है, गुरु के आश्रम में करती है, नकली असली गुरु में भी पहचान बता देती है। तो ये बताएं कि सहजों में कैसे आए और आज ये गुरु पद पे कैसे पहुंच रहे हैं, साधारण कपड़ों में और स्टूडेंट होते हुए। मोहित जी हैं और कहां से आए, कब से क्या कर रहे हैं बताएं। पूरे विश्व को मेरी राम राम, नमस्कार। माइक डाउन, फेस से डाउन कर, फेस से डाउन, हल्का सा अप, हल्का सा अप, बस बस ठीक। पूरे विश्व को मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम मोहित है, मेरी उम्र 23 साल है, मैं गांव मंडावर सोना हरियाणा का निवासी हूं। मैं 2018 में बीटेक के द्वितीय वर्ष का छात्र था और सितंबर माह की बात है तो हमारे कॉलेज रावल इंटरनेशनल है, रावल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां कुछ सहयोगी आए थे और वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो कह रहे थे, बातचीत चल रही थी तो मैं बैठा था, तो कोई नहीं, उन्होंने एक बात कही कि भाई ये ऐसी चीज है, ऐसी कुंडलनी के शुगर तक को खत्म कर दी। मैंने शुगर, तो शुगर तो हमारे घर में पापा की थी और मैंने सुना था भाई शुगर का तो इलाज ही नहीं है, तो मैंने फिर किया, हाँ जी, मुझे कोई पता नहीं चल पाया, मतलब महसूस नहीं हो पाया। फिर हमने सर्च किया काफी, मतलब वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, फिर 10-15 दिन करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे थोड़ी घर में थोड़ा अधर्म ज्यादा था, जो अधर्म होता है तो परेशानी रहती ही है, तो कब्ज पढ़नी बहुत ज्यादा शुरू हो गया। एक टाइम पे ऐसा आ गया कि हमें लेटरिन आती नहीं थी, बंद, और हमने सब कुछ ले लिया त्रिप्रा, और हमारी जवान उम्र थी और बुजुर्ग आदमी को काम कर जाती, हमने दो दो तीन तीन चार चार चम्मच कर दिया। मैंने किया तो बात बन नहीं रही है और ये कहानी कुछ और हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, बुजुर्ग आदमी को फायदा हो जाता है लेते, हमको नहीं हो रहा है। तो हमने घर वाले कहे बार बार जाओ इसको पता करने के लिए, तो फिर उन्होंने बताया ये कहानी है, वे हम पे ही भड़कते थे, मतलब क्या है। मैंने कह रही है तो घर वाले कम राक्षस ज्यादा है, तो हमारी मदद करने ज्यादा, हमको और दिक्कत दे रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा डॉक्टर को चलो, तो डॉक्टर के गए, बढ़िया टॉप लेवल का डॉक्टर था, 2 घंटे हॉस्पिटल रहता था और 2 घंटे मतलब क्लिनिक खोलता था, दो दो तीन तीन जगह, और अच्छे से सुनता था, मतलब 5-10 मिनट भी लेता। तो उसने हमने बताया, उसने 5-7 दिन की दवाई दी, हम तो भाई खुश हुए, 3-4 दिन उन्होंने असर किया फिर बंद। और वो एक दे देते हैं सीसी आती है उसकी, उस सीसी से क्या होता है, दस्त लगा देता और पतली कर देता। हाँ हाँ, पेट सफाई अलग आती है, पेट सफा आयुर्वेदिक हो जाता, वो एलोपैथिक आता। तो अब उसके बाद क्या होगा, जो थोड़ा बहुत गया मैं नेचुरल था वो बंद हो गया। तो उसके बाद हमने की भाई दोबारा गए डॉक्टर को, उसने टेस्ट वेस्ट लिख दिया। मैंने की भाई इसके बस की ना, मैंने की बंद करो, वो कह नहीं नहीं, मैंने की मैं दवाई लूंगा नहीं, इसके बस की है नहीं, तो कितना बड़ा टॉप का डॉक्टर है। तो उन्होंने क्या किया जाए, मैंने की कुछ और को दे, तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर है मेरी दादी थी, उसको दिक्कत हो गई थी, तो उसके ठीक हो गया था 57 में, और बड़ा टॉप का डॉक्टर है, तो मैं उसके पास गया। मेरा तो उसकी दवाई से और परेशान हो गया, मैंने कि यार ये क्या है क्या नहीं है, ये हम तो मेहनत भी करते हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि परहेज कोई उल्टा सीधा खाते हैं, क्या है। तो फिर हमने बंद किया, मैंने कि भाई इसको बंद करो, ये तो और तकलीफ देगी दवाई, मैंने कि यार ये इसका अलग सिस्टम है। फिर मैंने कोई तीसरा मैंने ही देखा, फिर मैंने ही देखना शुरू किया, तो एक नांगलोई में कोई नाड़ी वैद्य है और टीवी पर एक आते हैं, तो वो वेद वेद से मंत्र मंत्र से बोलते हैं उनके निकाल के टीवी प्रिंटर हुआ था, मैंने कहा इसको चेक करो। तो वहां गए हम नांगलोई ट्रेन से, मैं ही ले गया, मैंने वहीं चलना है और वहीं मैं जाऊंगा नहीं, तो वही ले गए। तो वो क्या कि अर्घ देता था,
तो अर्घ देता था और दवाई देता था, तो अर्घ से क्या था, पेट साफ करने का अर्थ था, वो क्या एक कप अर्घ और एक कप गर्म पानी इसको पियोसे का दस लग जाए, वो एक दिन काम करे, अगले दिन दो तीन दिन बाद वो काम ना करे, क्योंकि अगली बार विजिट में हम गई, क्योंकि दो कप पानी और दो कप अर्घ हमने वो किया, क्योंकि हम लगन बहुत थी, जो करना है तो करना है, जबरदस्ती हम करते नहीं थे, को हमें दस घंटे बैठा ले, पढ़ते भी नहीं थे हम, नहीं पढ़ना पढ़ा लो कोई हम, तो दो से फिर उसने तीन करा दिए, ताकत ही नहीं है, जब ताकत आएगी हाथों में तब बढ़ेगी बात। मैंने कह रही है घर वाले पापा कह रहे थे ठीक कह रहे, मैंने कहा ये भी ऐसी है ये भी ऐसी है, तो भाई हमने कहा 300 ने कटोरा कर दिया पूरा, एक बोतल पानी आओ पिया ना जाए, हमसे पर हम पी गए, मैं चेक करे उससे भी नहीं, मैंने की और उसके क्या के इतना पिला दिया उसने, इतना पिला दिया उधर जो पानी था उसके साथ पानी की कमी हो गई, मैं बेड पे लेटा ही रहूं तो लेटने के चक्कर आए, मैं कि लेटने के इधर चक्कर नहीं आते, मुझे लेटने के आ रहे, तो मैंने कहा इसको बंद करो, ये भी काम का नहीं है। तो उन्होंने बताया कोई नेचुरोपैथी का था और बहुत बढ़िया नेचुरोपैथी, तो आयुर्वेद से ऊपर नेचुरोपैथी मानता हूं मैं, तो उन्होंने खाना बंद, पानी, जूस, फ्रूट्स, योगा, सनबाथ, मडबाथ, लेप मिट्टी के और हीट बाथ और कोलन थेरेपी मशीन आती है वो चलाई, और क्या बताऊं आपको, हाँ ये नाक में से कैथेटर निकाल के गले में से निकालना, मैं सब काम सीखा दे, 4 लीटर पानी पियो और उसको उल्टा करो, सर किया उसके बाद, और वो कोलन थेरेपी हो गई इसका, तो इससे बात ही नहीं बन रही, और वो ऐसे इतना प्रेशर होता है उसे ज्यादा चलाए तो आंख ही फट जाती है, तो उन्होंने इसका नियम मैंने किया, अब नहीं किससे कहें, दुनिया 1 घंटा योग करती थी सुबह शाम को, कहे ना मैं 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह, 2 घंटे 2.5 घंटे शाम को, तो मैंने कि भाई उन्होंने एक दिन पानी फिर उसमें रखा, मैं सप्ताह कैंप में था वहां, तो मैंने कहा दोबारा दूसरे दिन रख लो बिना पानी पर, नहीं अरे मैंने कि रख लो इससे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि एक दिन, तो सप्ताह में वहां से आ गया, अब तब तो लोग खाना खा नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने वो देते हैं बस्ती क्रिया के लिए नली देते हैं, बस्ती क्रिया के लिए नली देते, तो बस्ती क्रिया पानी से साफ करो पेट को नली के द्वारा, गुदा द्वार से पानी जाएगा तो पानी के साथ मलाएगा, हाँ तो सिस्टम और उससे और जो रहा था बिल्कुल खराब हो रहा था, फिर हमने कह दिया कि भाई ये भी काम नहीं, वो हमने कह दिया उनसे मिल जाते हैं, तो अजमाओ सदमाओ, मैंने कहा अजमाओ क्या नहीं बन रही से बात, सब कुछ कर रहे हैं हम, तो हाँ हम जाए, वो भी परेशान हो गए थे क्योंकि जो सांस का मरीज बुजुर्ग जो आ रहा था सबको आराम हमको नहीं था, मैंने कहा हम तो जवान है हमारे तो शरीर भी अच्छा, फिर ये दिक्कत क्यों है, तो हम उनसे बोले लोग इसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई में ध्यान रहेगा, मतलब छुट्टी चल रही थी वो चलेगा तो हंसे ही हा करे वो बात को टाल मटे, मैंने कि पढ़ाई में ध्यान कहाँ से लगेगा, ये तो कोई सिर में दर्द हाथ में दर्द तो है नहीं, गोली वोली ले ली और रिलैक्स पेट में कैसे, तो मतलब 2-3 बार मैंने कि इसके बस की नहीं है, और उन्हें पता लग गया मैंने बंद करो इसको, फिर मैंने किसी को बताना बंद कर दिया, और मैं कॉलेज से आचार्य मनीष जी है और वो गुरु जी के पास आया भी था, ये विद्या दे दो जी हमें, और उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में हिम्स नाम से हॉस्पिटल बना रखे हैं, हिम्स का मतलब होम्योपैथी आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी 4-5 तरह की मिलाकर, वो भी इंटीग्रेटेड बड़ी बड़ी मशीन लग रही है वहां पर, और किडनी विडनी का इलाज वगैरह करते वो, तो मैं उनके उन पे गया और मैंने 2-4 से पूछा बैठा था, मैंने क्या स्थिति, आराम है, आराम है, मेरी तो किडनी खराब थी और दो मरते मरते बताए उन्होंने ठीक किया, दो तीन मैंने किया ये ठीक कर सकता है और तो कोई कर ही नहीं सकता, और इससे बढ़िया मैं वास्तव में बताऊं बाबा रामदेव से 100 गुना बढ़िया दवाई उसकी, एक तो एक चीज
दस तरह की चीजें होती है ना, वो एक चीज में काम करो, दस चीजों को मिला के और उचित मात्रा में, तो उनका ऐसा कंपोजिशन बनाया हो उसने और किट बना रखी है। तो हमें किट मिलती थी 4-4, 5-5 हजार रुपए की महीने की दवाई आती थी, तो हमने ली 20 दिन की दी थी, 15 दिन की देते ध्यान नहीं है, तो 5-10 दिन वो बढ़िया काम करे और वास्तव में बढ़िया काम कर रही थी, शरीर से शरीर में जान सी आ गई है, और लास्ट के जब 2-3 दिन रह गए तो उन्होंने दिक्कत कर दी, काम सही नहीं कर रही। मैंने कि 2-3 दिन काम नहीं करा, वो क्या हो जाता है इतना दिन तो गया, धीरे धीरे बढ़ जाएगी बात। मैं चलो ठीक है, उसने दवाई बदल के दे दी, वो उनका भी ऐसे दो, अब 8-7-8 दिन से वो 2-4 दिन भागे, वो नई दवाई 2-4 दिन काम कर, उसके बाद ऐसी 5-6 हजार फिर दे दी। तीसरी बार फिर गई, वो फिर वैसी का वो काम नहीं करे, मैंने किया ये तो घर वाले भी दुखी हो गए, इनको बताना नहीं है। मैं ठीक बढ़िया बहुत आप ही हमें थी नहीं, मैं की बढ़िया हो, मैं निकलू, हाँ भाई आई नहीं आई, मैं क्या आ गई है तो भाई उन्होंने कहा, मैंने क्या अब उन्हें पूछ पूछ के परेशान कर दे, वैसे दुखी ऐसे झूठ बोलो वैसे दुखी, मैंने क्या क्या है। और मैं क्या करता था कि मैंने कि अब दवाई इनको देंगे फेंक, क्योंकि दवाई अब कोई काम आने वाली नहीं है, इससे बढ़िया दवाई कहीं मिलेगी नहीं। और मैं क्या करता कि 5 हजार की दवाई एलोवेरा जूस वगैरह उनको रेत में गोलियों को नाली में, मैंने कि और मैं ले रहा हूं क्योंकि वो उसमें रहेंगे तो तुम लिए थे कहां गई, खत्म कैसे नहीं हुई। तो हमने शुरू कर दिया कार्यक्रम, मैं बढ़िया आया, अब जाने की जरूरत, एक बार और होया नहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है कहीं कौन आए एक बार तो आई है। तो ऐसे ऐसे हमने छोड़ दिया और परहेज हम कर रहे, तो उसके बाद हमने कॉलेज में आके पेपर पढ़ाई वढ़ाई तो खत्म थी, पेपर में ना तो हम पढ़ते थे बैठे रहते थे, लिख के कुछ नहीं आते, आता ही नहीं कुछ। अरे मैंने बाढ़ में जाए पढ़ाई, क्योंकि क्या तेरी इतनी हालत है, घर वाले ऐसी कहते थे तू पढ़ नहीं सकता, मैं कि पढ़ नहीं सकता, फिर वो बैठा देते मुझे। तो उन्होंने कहा भी तो पेपर कैसा रहा, मैं बहुत बढ़िया रहा, पूछो मत बहुत बड़े लिखता है, और फिर ऐसा वो कह भगवान का बड़ा बड़ा लाख शुक्र मेरे भैया किसने ठीक कर दी, मैंने कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया ठीक करी। तो उसके बाद मैंने कि बच्चे खा रहे पैसे ले थे नहीं, तो मैं दूसरे भी खाता था, तो चिल्ली पटेटो वगैरह मैंने कि अब खाओ इनको, अब पेट फटे तो कुछ फटे, अब जब ही बताएंगे अब कुछ नहीं, या तो इनको बताना नहीं है कुछ। तो उसके बाद क्या है, जैसे चिल्ली पटेटो वगैरह खाई ना वो तली हुई चीज, अगले दिन ही हमारा पेट साफ हुआ, मैंने ये क्या अब हमारे समझ में आ नहीं रहा था चक्कर क्या चल रहा है, कुछ दिन चलता रहा तब समझ में आए तो आत्म साथ साथ कर मिल गया, उसके बाद ये दिक्कत हुई और हम अब भगवान के अधीन हो गए और चीजों छोड़ गए, इसलिए इसलिए तबीयत ठीक हो गई है। तो कहने का मतलब यही है, तो हमें पता नहीं था, ये पता तब चला तो हम सहयोग में तो देख ही लेते, अब स्पीच को सुने तो लगे आराम से मैंने किए क्यों कोई विचार नहीं। तो मैंने गुरु जी की आ गई थी इक्का दुक्का वीडियो, तो मैंने देखा मैंने कि ये आदमी कुछ कह रहा, फिर भी काफी सुनी और सहयोगी को फोन कर लिया था, मैं एक दो बार बीच में सेंटर चला गया था जब बीमार हुआ था ना, तो उसके बाद मैंने कहा भाई, तो उनको देखता रहा। तो एक बार ये जेल में प्रोग्राम दे रहे थे, पता नहीं कहाँ के, 2017-18 की बात है, व्हाइट इनके सफारी सूट थे और ब्लैक फ्रेम, ब्लैक उस पे फिल्म थी चश्मे पे, तो ये कह रहे थे, तो वहां 2-4 लोग एक्सपीरियंस बता रहे थे, भाई ये है कि मेरे इतने 302 लग गई है, ये लग गया है, छाती पर कम पड़ता है, नजला चिड़चिड़ा रहता था, कहाँ गया, छूटूंगा नहीं छूटूंगा, तो सब मुझे धक्के दे देते थे, आज मुझे ही आगे भेजते हैं, मुझे आगे रखते हैं, मुझे सब सम्मान देते हैं, मैं सहयोग करता हूँ। और एक दो ने और बताया भाई, मुझे दिखना नहीं, दिखता नहीं था, वो दिखने में फायदा हो। तो गुरु जी ने फिर बताया कि कलयुग समाप्त है, सतयुग शुरू हो चुका है, श्री माता जी निर्मला देवी अवतार है, और अच्छाई चलेगी और ईमानदारी चलेगी और चरित्रहीन और बेईमान लोग सब समाप्त हो गए। तो मैं कुर्सी पे बैठा था, उनके लोग उछल के खड़ा हुआ,
कि मैंने कि भाई अब अवतार है और ये पक्का है और हमें पता लग गया, दुनिया को पता नहीं लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने इनको फोन नंबर निकाला और इनको घुमाया, तो इनसे पूछा गुरु जी ये परेशानी हम ठीक होंगे नहीं होंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में, हम इनको हमारे हाथ में कैसे उनके ऐसी प्रसार घर करेंगे, मैं प्रसार इतना करें नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर धीरे धीरे होगा, ठीक है धीरे धीरे। अच्छा फिर मैं औरों को लगाता था, बहन की ये ठीक होगा नहीं होगा, नहीं ऐसा ध्यान है वैसा ध्यान है और ऐसे करते और परम चैतन्य करते, हाँ परम चैतन्य ने होता क्या परम चैतन्य, मैंने की बताओ ये ठीक हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ, मैंने की बात में स्वाद नहीं आ रहा हूँ, स्वाद की बात में दम है। फिर घुमाते थे तो हम कहते थे भाई मम्मी वो ले खाइए वहां से खाटू श्याम से रक्षा सूत्र, तो मैंने कहा उसको बांधू ना बांधू लगे, ये इन्होंने बोला एक सोना है एक डायमंड है किसको रखोगे, मैंने डायमंड को, तो ये डायमंड है सोना है, मैंने कहा ले खोलो इसको रखो, घर वाले के उतार के दे मैं बांध लूंगा बांध लूंगा बांध लूंगा। तो ऐसे ही मैंने की छोड़ दिया, उसने किसी और को दे दिया वो। तो उसके बाद हमारी बातचीत काफी चलती रही और हमने सही जगह पे लगाया फोन, बैंक चेक करे क्या पोजीशन, ये कह देते चेक किया करो चेक किया करो। तो हमने सबको चेक करना शुरू किया, भाई माता जी को अवतार, मैंने कहा एक बात बताओ बंसल जी वगैरह कोई पता नहीं कहाँ से आ गए कौन है, अरे माता जी दुनिया को बेवकूफ बना रहे, माता जी को अवतार बताते कौन है, माता जी को अवतार है नहीं नहीं अवतार नहीं है वो तो संस्था कर लो, ये बताओ ये क्यों कह रहे, ये तो तुम्हारा बदनाम कर रहे हैं इनका कुछ करो तुम, और हम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो कुछ नहीं आ रहा है। और मैंने की अवतार है नहीं है, मैं पूरे तुरंत पूछता था बोले ही नहीं, एक दो ऐसे मिले माता की मानव अवतार है, मैंने की मानव कैसे, जैसे राम जी थे वो तो मैंने भगवान के थे, मैंने की मानव में किसी के तो होंगे, तो ऐसी अवतार है हम भी हो सकते हैं ना, ऐसी वो अवतार है, मैं ठीक है मुझे। अच्छा मैं सहज योगी फोन करता था सत्य तीन जी को, तो वो तो परेशान हो जाते थे, गुरु जी को तो मैं बहुत परेशान करता था, मैंने पूछो और पांच मिनट में दस मिनट में उसका फोन लगाए, मैंने वो ऐसे इनकी उधर और उनकी इधर, ये कहते हैं उसको पकड़ के लाओ हमारे सामने, मैंने क्या पकड़ के तो मैं लिया पर पकड़ के लाऊंगा, मैं जब ये कही रही है तो इनकी बात में सच्चाई है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, तो उन्होंने कहा दो चार हमारे गांव के भी थे सहयोगी, तो इनकी बात में दम उठता था हो जाएगा तुम्हारे हाथ में। तो एक सहयोगी ने वो लेडीज हमें एक मिली पूरी अभी तक के जितने जो मेरी जर्नी चली थी उसमें, उससे हमने पूछा कि हमें आत्म हम ये कहते हमें होता नहीं, वो कहे हाथ खोल के बैठ जाओ, बैठ गई मैं भी हो ही नहीं रहा, हमें तो आ नहीं रहा ठंडा गर्म और आता भी नहीं था, तीन साल में जाकर आया तो आता ही नहीं था। तो कहे माता जी का ध्यान करो ये करो, नहीं हमें तो लग रहा है हमें तो महसूस हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा तुम्हें कैसे हो रहा, तो उनको हो रहा होगा पता नहीं, तो उनको कह रहे तुम्हें तो आए तुम हो जाओगे, टंकी अभी हो नहीं रहे हैं। तो उसके बाद ये चलता रहा कि फिर हमने एक सहयोगी नहीं मिली सत्युग टीम की थी, मैंने कहा हमें तो आता नहीं है हमें ये तो छोड़ दो सहयोग क्यों कर रहे हो, मैंने किया मैं क्या बोलूं मेरे तो इसी से मेरे तो सुबह शाम यही काम रहता था और मैं बेरोजगार हो गया, मैं किससे क्या पूछूं, इसलिए बोल बंदे भी मैंने किया है क्या कैसे, मैं किया ये तो फिर उन्होंने बोला मैंने कि कुछ तो बताओ हम तो फिर क्या कहां जाए, उनका हो जाएगा बाद में, बोला धीरे धीरे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ दो बाद में कर लेना, मैंने ठीक है। तो मैंने कहा ये दूसरी मिली हमें, अब मैं जानता भी नहीं उनका नाम क्या, आज तक शायद बात भी नहीं है उसके बाद दोबारा मेरी, तो बात जांच कर वो करे ही ना। तो मैं सतयुग टीम के लोगों को भी करने लगा, तो उनका पता लग गया, तो सतयुग टीम के थे इनमें अच्छाई और इनमें था बात निगम, तो मैं कहता था कि मैं मेरे वाइब्रेशन बताओ मुझे नहीं आते कैसे पता लगेगा, तो वो कहते थे हम तुम्हारे प्रसिद्ध क्यों डाले, हम नीचे आना ही नहीं चाहते हम ध्यान में, बहन की ये कौन सी है, तो गुरु जी ने ना बताया ये नई बीमारी बता रहे हैं, तो ये तो गुरु जी से ऊपर जा रहे। तो मैंने एक से पूछा, बहन की होगा वैसे दो से पूछा, तीन से पूछा, चार से पूछा, पांच से पूछा, पांच से पांच ये बताए, फिर मुझे समझ में आ गए गुरु जी ने पढ़ा रखे हैं,
वो भी ना पढ़ा रखे हैं सारे। मैं गुरु जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो कहे साहब ये ऐसे कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी बातचीत चलती रहती थी, तो फिर मैंने गुरु जी से कहा कि मिलना है, गुरु जी से हम नहीं मिलते। अच्छा मैं परेशान करता था, फोन भी बंद कर देते थे। जो अब मैं कैसे कैसे करके दूसरे से रिक्वेस्ट करके फोन खुलवाता था इनसे, या दूसरे नंबर करता था। मैंने कहा आपका खोल दो, खुलवाओ, हटा दो, आज मैं परेशान नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अब ये बात करेंगे नहीं, तो मैंने ये प्रेस प्रेस के चक्कर में जाता रहता है। मैंने कहा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस लगवाता हूँ, तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी तो हमारी एक बार या 10 बार फोन उठाएंगे, 5 मिनट का आधे घंटे तक बात करेंगे। तो उन दौरान हम बातचीत करते थे, और मैं जाता नहीं था, ना तो पैसे थे ना साधन का, तो फोन से ही मैं कह देता था, फोन से इनके बात कराता था, वहां चले जाते थे। तो भाई चलते चलते फिर एक दिन प्रोग्राम हमने इनका गांव में लगवा दिया, पता है हमने किसी को नहीं भाई क्या है। तो मैंने कि मैं कामयाब हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जाऊं तो दुनिया को पता लगे, वो घर के हैं कि भाई ये तो बाबा जी संत साधु है। तो मैंने कहा कुछ जुगाड़ लगाओ, तो मुझे ध्यान वही आया, गांव का ही सहयोगी था और वो लीडर कोऑर्डिनेटर है। तो हमने कहा भी आप ये हैं हम ये हैं भाई, एक घंटा बाद चली कैसे क्या होगा, हम तो सोना से हैं, हम भौंसी से हैं, गांव का नाम बताए नहीं कौन है। तो बाद में हमने भाई तो आपसे मिलना चाहते हैं, कहां से हो आप? तो कह रहे हम आ जाएंगे, गांव आएंगे वहां आ जाना। तो मैंने कहा आ जाओ। फिर हमने उसको एक दिन पहले शनिवार को, इतवार को आना था, शनिवार बताया तो जी मैं ये हूँ और उनका लड़का हूँ और मैं तुम्हें चेक कर रहा था, तो ठीक है। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम लगाना चाहिए और बंसल जी और ये वो, और मतलब इतना प्यार से उनको चढ़ा चढ़ा के तो मैंने उनके प्रोग्राम करवा दिए। मतलब तो मैंने कि 2-3 स्कूल पकड़ लो, हमें प्रोग्राम से मतलब नहीं था, हमें तो मिलना था। तो उनसे कहा कि स्कूल में हम जाए तो हमें तो कोई गिनता नहीं, और वो एक प्रोफेशन से क्योंकि हम स्टूडेंट थे, और एक आदमी वो जाए तो उसकी बात को सुनो, उसको टाइम दे देते हैं, इसको टाइम दे देंगे, हमको नहीं देंगे। तो एक सरकारी स्कूल में और एक वो था अनाथ आश्रम, वहां हम गए थे एक स्कूल में और गए थे, तो उनका प्रोग्राम लगा गुरु जी, तब वो चल रहा था किसान आंदोलन का टाइम था, तो बॉर्डर सील थे, बदरपुर बॉर्डर खुल रहा था। तो हमने कहा गुरु जी से कहा भाई अब आएंगे, अब कितने लोग होंगे होंगे, तो गुरु जी कह रहे आज रहने दो, तो वहां है। मैंने कहा ठीक है, एक दो दिन पोस्टपोन करते। मैंने कहा जी गुरु जी ऐसा है, उनसे मैंने बोल दिया, मैं भी थक गया था, कर प्लानिंग कैसे कैसे प्रोग्राम लगाए, कैसे प्रोग्राम करा, कितनी आफत करके प्रोग्राम लगवाया है, और ये अब अपनी वो VIP बना दिखा रहे हैं भाई, अभी नहीं आएंगे। मैंने गुरु जी ऐसा मैं उनसे बोल देता, तुम ही कर दो, गुरु जी आने दे, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आ रहे, वो दया आ गई, चलो हम आ रहे। मैं ठीक आ जाओ, तो फिर हमें बॉर्डर रोक लेंगे, बॉर्डर की चिंता मत करो, बॉर्डर से हम पार करा देंगे। हमारे साथ का लड़का है, उसके चाचा DDA में है और दिल्ली पुलिस में है, वहां से हम पार करा देंगे। और मैं अभी फोन करता हूँ, तो फोन किया तो मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, खुला हुआ है, तो आए। तो हम अब हमारे पास साधन नहीं, हमने एक और पकड़ा गांव से, उसके पास बाइक थी, उसी की बाइक पर चल के वहां पहुंचे, उसी ने कैमरा बना, कैमरे से रिकॉर्डिंग करी, तो वहां कराया प्रोग्राम। उसके बाद एक गांव में बुला लिए, जमादार के घर में हमने लगवा दिया, जो हरिजन पंडितों को, जो ब्राह्मणों का गाँव है, जो जात से उनको आत्मसाक्षात्कार नहीं है, नीची जात की महिलाओं को आत्मसाक्षात्कार है, वहां पर उनको आत्मसाक्षात्कार है, तो वहां हुआ। उसके बाद वहां वे चले गए, उसके बाद भी फिर दोबारा एक दिन और आए, तो एक बार हमने चेक किया कि मैंने कि घर वालों को पता भी क्या देखता रहता है, ये है वो, मैंने कुछ नहीं अब नहीं देखना अब नहीं। तो अगली बार फिर वही काम, तो एक बार तो बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई, थप्पड़ से, घूसों से, बहुत बुरा हाल। और मैंने जानबूझ के बताया था, उनको पता हम किसी को पढ़ने नहीं देते थे क्या है, और बेवकूफ ऐसा बनाते पूछो मत, बहुत तगड़ा, क्योंकि बेवकूफ तब बनाया जाता है जब तेज बन के, स्मार्ट बन के बेवकूफ नहीं बनाया, आप पागल से बन जाओ उनके सामने, वो बेवकूफ बन जाते थे, और उनको बना पता तो होशियार है।
वो आ गए तो हमने तो ये दिखा दिया था कि माता जी ग्रुप में भैया, तो उन्होंने मतलब खूब कार्रवाई, मतलब सूझ बूझ भी गए थे कान वान भी हमारे। तो मैंने कहा आगे से काम नहीं करना, सबसे पहले तो भाई माँ मरती है, अब झूठ से ही जब तक चलेगा लेंगे। तो हमने आगे कार्य करवाया, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर में भी कराई। तो वो कहते थे भाई तुम भी आओ, कि मुझे काम है और ना पेपर पर चल रहे, मैं नहीं आ पाऊंगा, उनसे कैसे कहूंगा, घर वाले नहीं आने देंगे। तो ये जाते थे वहां देख आए। तो अब भी मैं कहने का मतलब ये है कि जब श्री माता जी माँ अवतार हैं और आपके दिल में आ गया है, ये कोई खराब बता नहीं सकता बताने से, जिसके दिल में आ जाए आ जाए, जिसके में ना आए ना आए। और यहाँ तो क्या अब भी देख रहा हूँ गुरु जी के साथ सोने के लिए तैयार है, मतलब रजाई में घुसने के लिए तैयार है। हम भी कभी कभी जाए वो नंबर ही ना दे, और एक या दो ही जनाओं के साथ जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं, बाकी सारे वीआईपी लौटे हुए, और मुझे कुछ समझते नहीं है और मैं उन्हें नहीं समझता। तो ये है। और मेरा तो जब हमें पता लगा कि माता जी अवतार है, मैंने की पढ़ाई बंद, कोई डिग्री नहीं करेंगे, ड्यूटी करते थे डिग्री ले लो, मैंने जरूरी नहीं है नहीं करेंगे। वो हमें 9-9 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई पे बैठा कर रखे, मैंने की नहीं तुम बैठा दो, हम अक्सर नहीं लिख पाएंगे पेपर में, तो हम बीटेक छोड़ने में करेंगे नहीं। अब देखो याद नहीं होता था, याद भी नहीं होता था हमसे, क्योंकि पहले वैसे नहीं होता था, अब इच्छा मर गया वैसे नहीं हो, पहले तो भी कार्रवाई कर लेते थोड़ी बहुत। तो उसके बाद हमने बीटेक छोड़वा दी, मैंने करूंगा ही नहीं, वो हम पे चल रहे हैं, मैंने करूंगा ही नहीं, हम उन पे नहीं करनी। तो उन्होंने जबरदस्ती करके मुझे डिप्लोमा में फार्मेसी में दाखिला दिलवा दिया। मैं अब क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ गया ना, गुरु जी कह रहे मैं घर छोड़ दूंगा, मैं क्या इनको मार दूंगा, तो देखो छोड़ दो। मैंने कि ये अब मुझे डाउट उठाने लगा, ये नकली तो नहीं है या हमें बेवकूफ बना रही है, क्योंकि ये तो अपने परिवार के साथ रहते थे, आराम से कहते छोड़ के नहीं जाओ, ये तो खुद रहते हम कहा छोड़ जाए, तकलीफ बहुत होती थी क्योंकि। तो फिर हमने कहा ठीक है, मैंने फोन वो काट दिया क्या करें। तो उसके बाद हमने फार्मेसी में ले लिया, फार्मेसी में लेने के बाद ही हमने प्रोग्राम कराने शुरू करे थे, घर वालों को बता दे मैंने देखना है एक बार ये क्या है। तो पापा को दिखाया, मुझे मुझे बहुत आराम है, वो ठीक है अलग समूह बना के, तो कोई नहीं तू कर लिया कर, तो ठीक है। उसके बाद उनको पता लगा भाई यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, तो घर आके शिकायत कर दे, मैंने भी ठीक है आगे से नहीं बताऊंगा, अगली बार मैं किसी और पकड़ लू। और ये ऐसे ही बोलता था, गुरु जी बोलते है ना सेम, कोई छोड़ता नहीं था, और जब मैं बोलता था तो चुप चुप सुनते थे, पहले तो हंसते थे फिर चुप सुनते थे, कौन है मगर तू ही पंडित जी हर बड़ा मन में ही है। तो उसके बाद पता लगा, तो उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, मतलब काफी रेस्ट्रिक्शन आ गई, तो उन्होंने कहा भी ये नहीं चलेगा। तो हम एक अपना मित्र है उसके पापा की पत्री थी, मैंने कि एक्सपेरिमेंट करने जाता हूँ, और उसका ऑपरेशन हो चुका था, अपेंडिक्स का हो सकता, 3-4 लाख रुपए लग चुके थे, और बड़ी मुश्किल से बचा था वो। उसके बाद फिर पत्री बनी थी उसके, और वो हर महीने गिरिराज जाता था, दोनों पति पत्नी जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे। तो मैंने कि मैं आऊंगा, अब तेरे पापा पत्री सी तू बता देना, उसने बताया ना पापा उसको थोड़ा अनट था, तो अकड़पन था, तो हम गए, मैंने किसकी बात माने, मैंने ऐसे ऐसे है ठीक हो जाएगा था, और बात बात आया तो उन्होंने कहा यार ये तो सच में ही अवतार है, और ये जो माता जी बता रही थी कि स्पीच है माता जी का 6-7-8 साल पहले डाला था शुरू शुरू में, आतंकवाद के ऊपर था, आतंकवाद और मन में शांति का क्या कारण है, 26-25-26 मिनट का वीडियो थी, तो वो सुनाई, और एक जेल में जो सुनाई उसी वही सुनाई जिससे हमें लगा वही हम दूसरे सुनाते थे ये अवतार है। तो हमने कहा भाई ये ऐसे ऐसे तो उनके समझ में आई, तो मैंने कहा 2 मिनट ठीक करना, क्योंकि हम हमारे पास तो पावर थी नहीं, हम दिला दें उसको, तो मैंने कहा इससे काम हो जाएगा, वो सुबह शाम को मिले, वो सुबह ही करे 2 मिनट और अपना काम धाम करे। तो उसने कहा कि भाई 10 सप्ताह भर बाद मैं गया, फिर
सुनोगे भाई 20-30% आराम है, 15 दिन बाद गया 50%, महीने भर बाद गया तो मैंने दर्द वर्द हुआ कभी? तो क्या दर्द वर्द तो नहीं हुआ? मैंने जो हूँ मैंने की फिर तो गई गायब पत्री, मैंने चेक करवा देखो ना, चेक उन्होंने करवाने पर गायब हो गई फिर भी पत्री, क्योंकि सेहस्त्रार पर ठंडा का चुकी थी। अब मैं सोचूंगा तीन साल हो गया है, दो तीन साल हमें सेहस्त्रार नहीं इसको मिल गया, इसको मिल गया, अब हमें थोड़ी सी गलती हुई। तो मैंने कही है इनको तो खाम खाई हो गया, हमने तो कितना किया है, हमको हो नहीं आ नहीं रहा है। तो अब मैं फंडल में जाके ध्यान करता था, हाँ वे बच्चे दौड़ मारते लोगों तू क्या चिल्लाता रहता है, मैंने कहा कुछ नहीं बहुत अच्छा करता रहता हूँ, जो गुरु जी ने एक जगह बता दिया था वो दशहरा पूजा में, भाई ये मंत्र 5 मिनट दो, मैंने कहा 5 मिनट से बात नहीं मंडी 10 मिनट करो इसको, मैंने 10 से कम स्वाद आ रहा 15 लगाओ, फिर 15 से करते करते आधे घंटा ला दिए, मैंने कि ये कुछ और बात आगे जा रही है, सप्ताह हो गया तो कुछ और ऊपर की चीज आएगी। तो करते करते उन्होंने कहा कि मैंने कि ये इसी से ठीक हुई पथरी, ना 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 आप पथरी तो गिर राजी जाने ठीक हुई है, पूरे मैंने कि ये तो ये भी है सही है, अरे खावा खाई दिया इसको, इसको तो मोल ही नहीं है, मैंने कि जो लड़का था हम जाते थे हम बताते थे भाई करो सारे घर के करो माता जी की वाणी लगा दे करो टीवी चैनल पर, वो क्या है मैंने खोल के छोड़ दे करो गा, और क्या अपना काम धाम करते रहो कान में पड़ेगी, वे उस पाकर धर्मग्रहण टीवी पे चैनल तो चलता रहता है, वो खोल के छोड़ देना का काम करता मैं सुने भी कोई नगे तो खोल के छोड़ते, अरे मेरे मैं तो वैसे किसी खोलेंगे तो कान में पड़ेगा कुछ समय, मैं तो खोल के ही छोड़ दो तुम तो यार बंद कर दो वैसे उसको। तो उन्हें कहा उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, मैंने ठीक है, तो मैंने कि ये भी ऐसी है। तो उसके लड़के ने मेरे साथ उस टाइम बॉम्बे में था, तो वो थोड़ा अलग था, मतलब क्रिमिनल टाइप का लगा लो उसको, तो लड़ाई झगड़े में कुछ ज्यादा ही था। तो उसके पास फोन किया, वो आईटी में जॉब करता था, विप्रो में लगा था, मतलब 50,000 सैलरी से। तो पहले तो 8-9 साल की उसकी बीटेक हुई थी, पर लग गया था उसका, तो उसके पीछे डेड स्प्रिट था, तो डेड स्प्रिट की वजह से ही तरक्की हुई है, तो उनको किसी को नहीं पता, मुझे पता रहता है, अब मैं बोलता नहीं हूँ, तकलीफ हो जाती कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या उनको नौकरी मिल गई, जब शनि देव पदा तब नौकरी प्रमोशन होता है, जब शनि देव पदा तब प्रमोशन होता है, तो ये हमें समझ में आ रही थी, और वे भी शनि देव कर रहा है, ठीक है शनि देव का साथ करूं तो तू पूजा पाठ ना करे तू करे, मैं पूजा पाठ हम शुरू से नहीं करते थे, और हमारी सोच यही थी कि ऐसी कोई चीज आए जिससे दुनिया में कोई जादू की तरह काम हो जाए, कुछ दुनिया क्ली साफ, ना हमें बुराई नहीं, कोई भूखा रहे ना कुछ रहे, और बचपन से ही जैसे टीचर पूछ लेता ना क्या बनना चाहते हो क्या करना चाहते हो, मैं सोचता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता क्या बनना है। तो मैंने क्या क्या होता हूँ टीचर के लायक तो हम है नहीं, क्योंकि तो पढ़ाई लिखाई में वैसे थे नहीं, और गाना हम पे आता नहीं, डांस हम पे आता नहीं, सुरताल हमारे पास है नहीं, पता है तो बताए क्या, हम ढूंढते कुछ अलग सा ही मिल जाए वही बोलते। तो एक लड़का था वो तमिलनाडु वगैरह का, उसके पापा चाहते इंजीनियर, तो वो ऐसे ही बोलता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सॉफ्टवेयर, मैंने कि एक तू पकड़ ले एक मैं पकड़ ले, तू इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया, मैंने कि आई वांट टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हो गया अलग सा। तो उसके बाद यही था, तो चलते चलते बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने फोन कर दिया उसके लड़के ने, जिसको आज साक्षात कर, क्योंकि वो बाप उनसे गए वो तुम करे करो, मैं तो इनसे कहता हूँ करे ना, उन्होंने कहा भाई इसका इंतजाम करना पड़ेगा, ये बाप हमें रोज परेशान करो, उसने फोन घुमा दिया, ये मोहित वोहित कुछ करता होता है क्या करता रहता है ऐसे वैसे, घर वालों को पता थी उनको पता नहीं था, उसका मेरे पास फोन आ। तो उसने क्या करा वहां से किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति पर फोन करवाया, और हम तो पूरे वॉलेंटियर बने हुए थे, वायरलेस आते नहीं पर माता जी और अपने को समझते थे या श्री माता जी को समझते थे
क्या सदगुरु जी समझते थोड़ा बहुत सतयुग के इनको समझते थे, क्योंकि उनके बात में सच्चाई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्या तेरा नाम से मिल सकते, कौन हेड? मैंने कि मैं ही हेड हूँ, बताओ हम उन्हें क्या करो, फोन करवा रहे वहां रिकॉर्डिंग चालू। तो वहां बहुत बात चली, अच्छा अच्छा। मैंने कि हम ही है, उनका तो मिलेंगे तुमसे, अकेले नहीं मिलेंगे, नंबर भी नहीं लेंगे, हमसे ही बात करो। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आ, गाड़ी गलौज चली। मैंने कुछ भी नहीं, अब हमें क्या, आपका क्या हो रहा है? लोग ठीक है देख ले। मैंने ठीक है तुझे बता दूंगा ये वो। मैंने कि मैं हंसता था, मैंने ये क्या बताया, क्योंकि उस टाइम आनंदी और था ना, गाड़ी दे रहा तब भी हंसी आ रही है। तो घर फोन कर दिया होगा, मैं आ रहा हूँ ये है वो है। तो बाद में पता चला, तो एक दिन शाम को आया, सुबह शनिदेव पे ले गए हमें, जाना तो हम चाहते नहीं थे पर क्या करें, जाना पड़ता है, चलो भी हो जाएंगे, तो सब काम हुआ। तो शाम को खाना वाना खा के हमें बुलाया गया, बैठो, बैठे सारे। तो उन्होंने बताया ये वो, माता जी छोड़े, मैंने बिल्कुल नहीं, तय झूठ पथक पड़ो बुद्धि में। मैंने क्या ये क्या, मैंने कहा आप बिल्कुल भी नहीं, मैंने ठीक है। तो ऐसा सारे हम पछड़े, मैं भी छोड़ रहा हूँ माता जी, तुम बैठो से आराम से। तो उन्होंने फिर हमें रिकॉर्डिंग सुनाई। अच्छा उससे पहले हम कॉलेज में आए थे दो बार, तो हमने कॉलेज फोन कर लिया क्या सीन, उन्होंने बताया, मैं आपको बताऊं असलियत क्या हो रही, ऐसे चल रहा, ऐसे वॉलंटियर बन रहा, ये बन रहा, वो बन रहा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने की ये तो अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी वाले से, अब क्या माफी मांगो उनसे। मैंने माफी मांगी, क्योंकि मेरा जब आत्मसाक्षात्कार आ रहा था तो आदमी फिर डरना बंद कर देता है। तो मैंने कि वे रुके हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यार तुम सुधर जाओ। तो मैं गुरु क्षेत्र बन गया। तो इसके बाद बहुत वो कहे तू कमी, मैं कहा तुम कमी हो, आदमी हो, और वो वास्तव में ही। तो बात आगे आगे चलते चलते, तो उसके बाद हमें पता लगा कि किसने किया हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता किसने काम करे। तो मम्मी ने बता दिया, चलो उसके थोड़ा हो तो भला हो उसका, उसने बता दिया तो बर्बाद हो जाता। और हम पड़ोसी के गए, तो पड़ोसी जब बाद में गए थे हम, तो हमसे कहा भाई, तो तब बाद में पता चला कि उसकी तो हो गया बड़ी नौकरी, उसकी नौकरी जब कोरोना फर्स्ट वेव आई थी ना, उस लड़के की नहीं छूटी, दुनिया की छूट गई थी। जिस लड़के ने हमारे कहा था ये ऐसा वैसा है, इसको बंद कराओ इनको। तो जब दूसरी कोरोना लहर आई तो उस टाइम उसकी नौकरी खत्म, उसकी नौकरी ही खत्म, आज तक नौकरी नहीं लगाओ। तो मुझे तब पता चला, तो कहते थे बर्बाद हो जाता, महंगे तो हो गया। तो वो घरवाले के बाहर गए, नौकरी लगा हुआ लगा, उसके बाप ने तो हमें बता दिया होगा, हमारा कुंडल ने कुछ अलग मेल था हमसे, वो बताया जो किसी से ना बताए, बातचीत चली ऐसी सुख दुख की। और मैं भी वो बच्चे को साथ के साथ कम बैठू, उसके बाप के साथ जाना बैठू, उसके साथ ऐसा लगा ये यार अपना ये नहीं है। तो खेत मैंने कहा है, तो खेत पर गाने से, तो खेत पे चलते मिलने उनसे, और किसी कहानी ना लगे मिलने में। तो उसके बाद तो यही है, तो तब विश्वास आया कि ये बहुत ऊंची चीज है। फिर हमने चोरी छुपे काम करना शुरू कर दिया, भाई इसको बताया कि लड़का पागल वागल सामने की, इसको कराओ और ये हो जाएगा। तुम कहां वो मोहन राम के भगतों के घर पास जा रहे हो, इनने गड़बड़ कर रखी, तो उन्होंने बताया मैं करा नहीं, मैं दो दो तीन तीन बार देखो मुझे चेक करना था। तो मैं तीन तीन चार 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 बार गया वहां जी, तो उन्होंने कहा मैं कि छोड़ दो इनको, ठोक के बोलता था, वो मानते नहीं थे, पकड़ता कोई नहीं था, मैंने भी छोड़ दो। फिर मैंने एक उसको पकड़ा भी, सीनियर साहब, वो थोड़ा समाज में अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता रहता है, दान वान भी दे देता है, स्कूल वकूल पंखे वंखे लगवा दिए, उसके पास गया मैंने मिलना है। मैंने कहा हो, मैंने कहा जाओ ना, हुक्का हुक्का बाद में चलता रहे तुम्हारा। तो हुक्का हुक्का पीने गए, तो मैंने बुला लिया दो तीन बार फोन करके, तो आया हाँ भाई। तो पर्चा वर्चा तो बातचीत चलती रही, मैंने की एक बात बताऊ, कोई ऐसी चीज है इससे कोई परेशानी जिसका इलाज नहीं, आदमी खाट पर भगवान को प्यारा होने वाला और वो ठीक हो जाए, और ये बच्चे हैं अपंग हैं जन्मजात दिमाग से पैदल हैं, मैंने तो कर दे कोई चीज ऐसी ठीक, तो इसमें बुराई है अच्छाई, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैंने की तो हम वही चीज के बारे में बात करने आए आपसे।
तो मैंने कि ऐसे ऐसे एक चीज है सहयोग आत्म साक्षात्कार और कुंडली जागरण जब हो जाएगा तो हर परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब 3.5 माह की अवस्था होती है जब प्रवेश करती होती है, इसको बह माता कहते गाँव बह माता, तो वो कहते थे बह माता आई ना आई, बुजुर्ग लेडीज होती है लेडीज प्रेगनेंट है, अरे बह माता आई या ना आई, और जिनसे पूछते उन्हें पता ही नहीं बह माता, वो कह रहे जिठानी को कह रहे अभी ना आयो अपने गांव को गई है, उनको ये ना पता उस कुंडली की बात कर रहे हो। तो उसके बाद हमने बताया तो आधे घंटे उसका बाप भी आ जाए, वो भी यहाँ फाड़ फाड़ देखे और उसकी माँ भी निकल निकल गए, वो हंसे कुंडली तो खुश होगी ना सुन सुन जब हम बोल रहे थे, जैसे ही आप श्रीमाला जी को महावतार बोलते हैं तत्क्षण सरस्वती विराजमान हो जाती है जिद्या तत्क्षण, आपने दस्पाप की हो से चले दस्पाप की हो उस क्षण से सरस्वती विराजमान हो जाती है जिद्या पर। तो उसके बाद हम बोलते गए वो ऐसे देखे जा रहे, हमने पढ़ता दिया वो पढ़े, मैंने की पर मिलेंगे ये 2000 में, 2000 से आदमी कम हो जाए तब भी नहीं मिलेंगे, तो 2000 पड़ गए थे करवाओ तो करवाएंगे, तो एक दो बार और किया मैंने कि ये नहीं करवाएंगे सब नकली है, तो हमने बंद कर दिया, मैंने कि खुद के बेस पे चलना पड़ेगा क्योंकि तो हम कराते तो हमारे हमसे इकट्ठा हो कैसे और हमें मिलना था गुरु जी से, तो फिर हमने सहयोगी की मदद ली और इसके थ्रू आए हम मिले। तो उस दिन पेपर था मेरा टेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते नहीं ना हम, सेशनल को छोड़ने गए थे, मतलब एक एक लाइन लिखी और सबमिट किया और हम सबमिट करके चले गए और हम घर शाम को ही आए थे, वो फोन हमने लगा दिया था फ्लाइट मोड पे, तो हम आए और देख रहे कुछ कब आया था ये और बहन और वो एक बहन हमारी वो एमपीएससी और थोड़ा हर कोई नहीं होता इतना थोड़ा होता मेरा थोड़ा हम ही हम कहे, तो हम कहे जाए हम सुने जाए, वो कहे हम सुने जाए, मैंने कि मैं खेलने गया था लाला खेलने गया था, क्योंकि तो वही प्रोग्राम लगा था जो खेलने गया था क्रिकेट वगैरह टीम टू इतनी देर इस टाइम तक कौन खेलता मैंने कैसी, तो हम आए तो कहने के बाद बात संभाल ली। उसके बाद तकलीफें बहुत आई लेकिन उसके बाद ऐसा था कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे गलत को, फिर धीरे 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 गुरु जी से बात होती थी, फिर ये अपनी कहानी बताते थे हम वहां गए थे, हमें तो 4 साल में हुआ था है, तो ये तो हमसे वो फर्क है तो ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये विश्वास दिलाते रहते थे। तो उसके बाद हम समय आता गया जो हम परेशान करते थे अड़ते तो हमें वो हमें कार्रवाई करे, तो हमने चुप रहना शुरू किया, धीरे 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 शांत, अब 90% तो हो गया है 10% बचा हुआ है, अब मैं ये कहता हूँ जो मिलता सहजोगन गुरु जी की सीट छीन लो, नहीं नहीं गुरु जी की नहीं गुरु जी की, अरे गुरु जी तो बहुत है गुरु जी तपस्या ही गुरु जी की कमांडो है, फिर मैं सुनना ही बंद कर दिया, मैं किस फटीक के पास बैठ गया ये तो भाई इनको कुछ भान ही नहीं है, गुरु जी की सीट छीनने का मतलब ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसा है कि गुरु जी के बराबर बैठना है और वो काबिलियत लाओ, जब आप चाहोगे एक दिन आ जाएंगे, हमें तो अभी वायलेशन नहीं आते, तो हम ये सोचते हैं अभी तो हम ये सोचते हैं कि भाई इनको तो वायरस सुनाते हैं फिर भी ये कितने बेवकूफ लोग हैं, इनको होश नहीं है कि हमें वो चीज मिल जाए जीवन में, तो हम ये कह रहे थे भाई उनसे कि भाई तुम बन जाओ हमें तो आते नहीं है, हमें इतना घमंड है तुम्हें घमंड ही नहीं इतना, और देखिए तुम्हें घमंड नहीं है और तुम गुरुजी को मुक्त करो, गुरुजी से 19 मत रहो, गुरुजी को 21 कर दो 22 हो जाओ, एक कदम दो कदम आगे चले जाओ, और हम तो यही कह रहे हैं कि हम अब वो करेंगे दुनिया में जो गुरुजी नहीं कर पाए वो होगा,
क्योंकि बहुत ऊंची सोच है और वो लग रहा है हमें वो होने वाली है बहुत जल्द, शायद 6 महीने ना लगे और हम उस पोजीशन पे होंगे, इस पोजीशन पे गुरु जी पर डरने वाला, क्योंकि जो कहते थे जो हम मानते नहीं थे उनका धंधा पानी सब चौपट हो गया, जिस 15 सोने किले खेत है, 75-80 किले खेत है, उनमें से कोई कमाई नहीं हो रही जो होती थी पहले। पहले आमदनी कम थी, लाखों में आमदनी है, खेतों से जो रख रखे हैं वो क्या है, हमसे ही लेते हैं, हमसे ही खाते हैं, और पहले तो उनको दे देते थे रुपये, अब वो 10 रुपये मांगने आते तो है ही नहीं, पूरा ही नहीं पड़ रहा, खाने के लाले होते हैं, रोटी भी झाड़ के खाते है रूखी, मुझे बड़ा मजा आता है। वो कहते मैं मेरे से कहते ये खा ले वो खा ले, अच्छा मुझे फंसाते बहुत है, ये खा ले वो खा ले, अब मैं खाता नहीं, मैं नहीं खानी तो मुझे पता ना, तो इस चक्कर में कि हम इसको खिलाए पिलाए हमारे सिखाए, मैं खाता नहीं। वो कहते हैं बच्चे तो सारे संस्कारी है, तू ठीक ऐसे नहीं कहते, ठीक नहीं है भाग, ये तो बड़ा प्यार करते हैं। मैंने भाई नहीं करते, नहीं करते क्या करें, मरने बोलते हैं। तो वो पता लग गया उनको भाई ये काबू में नहीं आता है, ये काबू नहीं आता, सवाल आते मेरे में और ये मैं परख लेता हूँ। हाँ मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ, ज्यादा देर फंस जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, 10-5 मिनट में एक बार हाँ हूँ भी कर देता हूँ, भाई लगे भाई हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। तो बाकी तो बात यही है कि अब वो पोजीशन लाओ तो उनका पता नहीं चल पा रहा उन्हें क्या हो रहा है कि कैसे है। अच्छा कलेश कम हो गया जब से हमने सतयुग ट्यूब में पैसे डालने शुरू किए, हम ये सोचते थे ना दुनिया को चमत्कार होता है ना तो हमें माता जी दिखाई दे, ना गणेश जी, ना जीसस क्राइस्ट, कोई कह हमें दिखाई दे, कोई कह रसोई में चलती हुई दिखाई दी, कोई कह सड़क पे दिखाई दी। मैंने कहा तो हम खराब है, अरे सब खराब है, तो सबको दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने तो अब उनका क्या है कि वो अब हमें तो पता है हम कहे नहीं, पूर्ति क्यों नहीं पड़ रही है क्योंकि तो हमारी मानेंगे नहीं, तो चलने दो बीमारी होते दवाई दवा लाते हम, ये बताते हैं नहीं। तो यही है, यही मेरा कहना है कि अब काम चलना बंद हो गया लोगों का, जो सहयोगों को इज्जत नहीं दे रहे, और अब तो हमारा वाइब हम वाइब्रेशन भी मांगते हैं उसको आ जाएंगे, अब तो हम यही कहते हैं कि हमारे पैरों में पड़ने चाहिए, जब माए जब बाप है ये जब तक हमारे पैरों में नहीं पड़ेंगे हमें स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि तो दुनिया जभी तो मानेंगे हमें, और वो आएगी क्योंकि हमने गरुड़ पुराण भी पढ़ी हुई है, और कथा बात रहते तो घर वाले पूछ लिया, मैंने क्या पूछ लिया तो हमने कहानी सुनी, मैंने कहा तो गरुड़ में लिखा हुआ है ये तो जिसका पेशाब से मल मूत्र से वो निकलता है बीमारी से, वो कीड़े मकोड़े जन्म में जाता है, फिर कैसे दुनिया बीमारी से मर रही है। तो मैंने कहा स्वर्ग में तो कुछ नहीं, सच बोलो, सच पे चलो, सच का साथ दो, एक और एक और चीज एक और तो यहाँ इस घर में भी जन्म लेने के पीछे का कारण था। कारण जो मुझे समझ में आया वो ये है कि मेरे जो परदादा थे वो बहुत ही सदगुरु साधु, शायद आपको वाइब्रेशन पता लगे ना लगे घट जाएगा, वो मतलब धर्मात्मा आदमी थे और उनके जैसा इलाके में भी कोई पैदा नहीं हुआ, उसके बाद आया तो मैं ही आया हूँ और उनसे 22-23 ही हूँ, ये हूँ अब बता दे सकते हैं। हाँ मैं ही आया हूँ क्योंकि वो जब पंचायत में जाते थे, कई गांव की पंचायत होती थी तो तब तक पंचायत शुरू नहीं होती थी कि वो फलाना आएगा तब पंचायत शुरू होगी, और वो जब पंचायत करते थे वो खड़े खड़े ही फैसला करते थे, समझौता फैसला, जब तक फैसला नहीं तो खड़े ही रहते थे, विश्राम ने फैसला करके ही उठना, हालांकि उनका विरोध भी करते थे पर उनकी बात में दम था। तो उसके बाद तो उनकी वजह से ही शायद मैं आया हूँ, क्योंकि उसके घर को बर्बाद कर रहे हैं तो अब दुनिया को बचाना है तो हमें आना पड़ा, बड़ी तकलीफ हुई, अगर यहाँ नहीं आते तो हम भी भटक जाते। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो गुरु जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, VIP में तो रजिस्टर लेकर घूम रहा है और काम कर रहे हैं, हम तो काम भी नहीं करते, हम तो मजा ले रहे हैं बैठ के, कोई कह देता जो काम कोई नहीं कर रहा भाई कमी रहेगी इक्का दुक्का, वहां तो मैं कर देता हूँ, यहाँ सब कर रहे हैं भैया नहीं कर ले तो, वो ये सोचते हैं कि यहाँ झाड़ू लग गई तो हम गुरु जी बन ही जाएंगे ना, क्वालिटी चलेगी और दम चाहिए, सच सच है झूठ झूठ है, तो यही चलेगा।
कोई कह दे ऐसा चक्र वो, क्योंकि और हम तो यहाँ ध्यान लग भी नहीं रहा, हमारा असल बात बताएं, मेरा तो एक दो मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? वो इसलिए नहीं लग रहा है, कुंडल ने लगने नहीं दे रही, वो कह रही है उसी पोजिशन पे आओ। ये क्या ड्रामा कर रहे हो यहाँ आगे बैठ के, क्या हाथ फैला रहे हो? ये तो एक हाजिरी लगानी है बस सुबह शाम की। ये ड्रामा कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं बैठ के, और सब सोच रहे हैं हम भी गुरु जी के जैसे ही है। गुरु जी के जैसे नहीं है, गुरु जी के जैसे होते तो अलग ही होता है, क्योंकि हमने माइक में बोला था ना 28 तारीख को रैली हुई थी, तो उसमें क्या होता, हम बोल रहे थे तो दिमाग से बोला जा रहा था, क्योंकि कुंडली ध्यान कहीं और खींच रही है, क्योंकि तुम में वो अभी दम नहीं आ रहा है, तुम सच बोलना नहीं चाहते हो, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच्चाई पे बोलो नहीं तो तुम मरे, ऐसा ऐसा आता है। तो मैंने क्या हुआ जीना अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, तभी तो मैं कह रहा हूँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राण निकलेंगे तो नहीं बोले तो। गुरु जी कह रहे थे कैबिन सेंटर बोलो, मैंने कहा बोलना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो रही है। अब वाइब्रेशन आए हमें जब बोलना शुरू करो, आप ध्यान से नहीं आ रहे, तो यही है। अब वो हम आए हैं यहाँ, वो बताई तू या रहने दो, तो नहीं चलने दो मंत्र ले, अन्नपूर्णा का मंत्र है। त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो। शेषता पे चेक करें कि श्री माताजी स्वीकार की, आप इस महाप्रसाद को स्वीकार कीजिए, आशीर्वादित कीजिए। आप तीनों लोगों की स्वामी हैं मां, आशीर्वाद की। जय श्री माता। शेषरार बोलेगा आपका, अगर स्वीकार करेंगे तो शेषरार आएगा, अगर स्वीकार नहीं दिए हैं तो आपके दिल में कहीं कमी है, इसलिए शस्त्र आपको नहीं पता, तुरंत आता है ले जाए। तो जो हम आना चाहते थे, तो हम जॉब लग रहे गुड़गांव, तो दिल्ली आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने कि भाई यहाँ तो शायद हमारा मौका मिले, सचिन चंद्र ना आ पाए, एक बार उसको देख जाओ जाने को रूप तो, क्योंकि उस टाइम तो कोई बताया कि नहीं, हम नए हैं और हम आज तक कहीं घर से बाहर गए भी नहीं है, तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम बाई चांस ऐसा एक या दो दिन का प्रोग्राम है तो देख जाओ। तो हम रात को ही आए और हम पे तो बहुत पाबंदी आए, तो मैंने कहा क्या इलाज किया जाए, तो मैंने फोन घुमाया, मेरे जो दोस्त है अब नोएडा में रहता है और वो बड़ा मन है शामली से, जो ईशोपुर टी के गाँव से, शिवम चौहान नाम उसका, तो मित्र है हमारा खास, एक दो ही हमारे ज्यादा है भी नहीं, उनसे भी बात नहीं होती है, तो हमने कहा उनसे मिलना, तो आप हम यही रुकेंगे, और मैंने मतलब रोमनी सी यार प्लीज, और बच्चों को झेल कर देते ना, उन्होंने कहा कि चलो रह लो, मैंने कि नंबर दे देता हूँ उनको उनका, अब मैंने नंबर तो दे दिया, मैंने किया भेजना भूल जाए तो मैंने कि अब देखा जाएगा, तो नंबर दे दिया उसको, फोन किया ऐसे ऐसे बताना कि तू कहाँ है भैया क्या है, हमें भूलवा, मैंने तो बोल दिया बस यही बोलना है, तो उसने कहा ठीक है, तो मैं आ गया, तो पहले तो वहां अगले रास्ते चला गया, मैं फोन करूं दीपक जी, दीपक जी ने कहीं और ही भगा दिया, तो गाड़ी वाले ने भैया पीछे रह गया, मैं ठीक है, मेरे पैरों को दिक्कत, जब माता जी के बारे में सोचता हूँ और काम करता हूँ तो 5 या 10 किलोमीटर पैदल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही है। तो मैं आया है, तो उनको समझाया, तुम्हारा नाम क्या है, शिवम चौहान है, आपका तुम्हारा नाम क्या है, दीपक, तो आए तो कहने मतलब उनका फोन आया, और रात को मैंने फोन ही ना उठाया, क्यों, वो थोड़ा ऐसा था अगर फोन उठा और व्हाट्सएप कॉल कर दे, मैंने सुबह ही बात करेंगे, मेट्रो में चढ़ गए इनसे, तो यहाँ बैठ गए, मैं चला गया मेट्रो में बात करें, कहा
हम यहाँ गाड़ी नोएडा में करते हैं, गाड़ी वहाँ बल्लभगढ़ स्टेशन खड़े कर जाते हैं, वहाँ से कैब ले जाती है। अगर मैं यहाँ हूँ, मैंने क्या आ रहा हूँ, मैंने कहा रुकना तो रुको, अरे वो बस से आ रहा हूँ, मैं रुके पड़े तो उनको मैंने कि कैसे फंसाऊँ ये ज़्यादा, तो मैंने कि जॉब लग गई है, ये है वो है, सब मतलब वो बात घुमाई तो वहाँ का पूछ रहे कुछ सच सच होता है, बोलता है ना झूठ तो अलग फर्क पड़ता है, पता लग जाती है। तो पैसे में और जॉब में घुमाया, ऐसा घुमाया ऐसा होगा, मैंने कि मैंने ये बोला और मैंने वो बोला, इतने महीने नौकरी की है तो मैं स्लिप मांग रहे और बैंक में बताओ कैसे लाऊंगा मैं, उसकी दिक्कत नहीं थी हमें, क्या करें तुम कुछ करो, तो बात डायवर्ट करनी पड़ी, तो वहां से तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो बात रड़ गई मतलब मिक्स कर दी। उसके बाद कुछ नहीं, फिर क्या जैसे हम खाना खा रहे तो गैस बढ़ती, एक टाइम ही खा पाते हमारे घर का, दूसरे टाइम में नहीं खा पाते, क्योंकि दूसरे टाइम का खा लिया तो दो तीन दिन परेशान रहते, जो खाना ही छोड़ देता हूँ 24 घंटे, तो हो नहीं पाता। वो कहते भूख नहीं लगे तू खा रहे सना, तो मैंने खा लिया, दूसरा वाला भी आया था गैस का, उसकी खा ली मैं रोटी, बाहर का जब कितना ही बड़ा अधर भी हो गुरु जी को मानता हूँ, उससे जितनी गैस नहीं बनती मुझे जितनी अपने घर के खाने से बनती, पर मैं खाता, मजबूरी ऐसी है खानी पड़ती है, अगर भेंट खुलते तो यहाँ कैसे आ पाऊंगा, यहाँ कैसे आ पाऊंगा, तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने ठीक है हुआ है तो यहाँ मैं कह गया कि माता जी यहाँ आया हूँ मैं, देख लो तुम, क्योंकि मैंने तो खूब जोर लगाया, जहाँ जोर लगाता हूँ वहीं बात बनती नहीं है। तो मैं वहाँ झांसा रोड पर था फार्मेसी में, तो 10-15 दिन बाद उन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास हुड्डा सिटी सेंटर, उससे 5-10 मिनट की कदम पैदल का रास्ता है साउथ सिटी डीएलएफ साइबर सिटी में, तो वहां ट्रांसफर करा दिया मेरा। मैं कह रहा हम क्या करा दी, ना कोई खरीदना आता ना कुछ, वहां ना मैनेजर भी आता हूँ क्योंकि वहां सेल ही नहीं, वहां धूल जमा रहता हूँ दवाइयों पे, तो उसको साफ अप किया। तो उसके बाद मैंने कि भाई यहाँ से तो प्रोग्राम बढ़िया बनाएगा, तुरंत पहुंच जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा। फिर एक दिन मैं बीच में, मैंने कहा अटेंडेंस सुबह की लगा दी और शाम की तू लगा दी, क्योंकि लोकेशन उठाती है अटेंडेंस में ना, ऐप पर लोकेशन आती है, तो मैंने कहा तू लगा दी जो फोटो में दे गया, तो उसने लगा दी, मैं यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ मैं आया तो उस दिन 24 तारीख आया था, मैं आके मैं चला गया, मैं हाँ 23 को आया था, 23 को आके मैं चला गया, रात भर आया, काम भी कराया थोड़ा सा, तो मैं चला गया। मैंने कि वो आते ही चैतन्य देते रहे, तो उनकी एक बहुत अच्छी बात की, पर कि हर रोजाना उनको चैतन्य देना है, तो उन्होंने लगा देता। मैंने कि पता नहीं क्या करते रहे, उस दिन मेरे वाइब्रेशन चल रहे थे जो उस दिन नहीं चले, क्योंकि उस दिन डर था, प्लानिंग थी, उस टाइम निडर थे, कोई चिंता नहीं थी। तो वो कहे भाई बंसल आओगे, मैंने कि देखते भगवान की मर्जी हो गया, जो बंसल जी के साथ मेरे मैं एक दो दिन तो आऊंगा, कोशिश कर रहे, तो जो मिलेगा ना हाथ मेरे ऐसी थे, वो कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला वाइब्रेशन बहुत तेज हो गए, मैम की वाइब्रेशन तेज हो गए, आज तक वाइब्रेशन नहीं आ रही, तेज भी हो रही। तो मैंने कहा बात आप सही कह रहे हो, पर क्या करे है नहीं, मजबूरी है, किस्मत में नहीं है, क्या कर सकती है। तो उन्होंने कहा परम चेतन से है को, मैंने कह देते आज तक हुआ थे, तो आप बोलते हो वाइब्रेशन आ रहे थे ना, तो माता वो बुलवाए, हम बेमन से बोल रहे हैं, मन से नहीं बोल रहे, पर बेमन में वाइब्रेशन है, तो हम बोल रहे हैं भाई माता जी अड़चन को दूर करो। मैंने करो जैसे वो बोले भाई 5 दिन आना चाहते, 5 दिन आए, तो हमने कहा तो हम कहेगा आगे में तो चले, हमने कि भाई 5 दिन छुट्टी लेंगे, अब 2 दिन की 5 दिन क्या चलाएंगे, यहाँ वाइब्रेशन थे, घर जाके घर गया एक दो दिन पीछे मगर वहां जाकर वाइब्रेशन गायब थे, तो बंद, तो फिर वही पुराना सिस्टम में नहीं जा पाएंगे, एक दिन क्या लगा भाई, एक दिन भी नहीं जा पाएंगे। मैंने कि छोड़ो जाना ही नहीं है, ये तो है नहीं किस्मत में। फिर अचानक से क्या हुआ, देखा तो भाई कपड़े वपड़े मैंने सारे ले जाकर तैयार रखे थे, गरम जुर्राब 4-5 जोड़ी में की, और पैसे वैसे भी ले लिए थे, अकाउंट में पहले से पड़े थे, तो उन्होंने भी हमसे पैसे और तनखे के 4-5 हजार तो मांगे नहीं, बाद में लेंगे, तो बाद में लेंगे। तो उन्होंने भाई तो वो कहते हम आएंगे, तब तक तो आए नहीं, तो चाचा ले रहा था सोना में, तो वहां से सवारी चलती नहीं है, तो मकान ले रखा किराए को, ऑफिस 8,000 रुपए जाते, वहां मैं रहता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ, एक दो दिन बना लिया और कपड़े वपड़े खुद धो लिए, तो आएंगे हम यहीं रहेंगे। मैंने कहा ठीक है ये रहेंगे, हमें मतलब ये जाने नहीं देंगे, मतलब ये
कारण है कि हम जा नहीं पाए, ये रहेंगे साथी थे तो हम जाए कैसे। तो मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है, तो जाना तो है नहीं। तो वो एक दिन पहले संडे को गया है, उससे पहले सैटरडे को वो लिया इन्वर्टर बाहर से, क्योंकि तो इतवार को रखेंगे अब उससे अब हम वहीं रहेंगे। मैं घर गया मुझे पता चला तब, तो देखे तो सारे बीमार पड़े, पहले वो पड़े तो उस दिन मैंने कहा ये तो बीमार पड़े हैं और बन सकती है बात, चांस है चांस है। तो उनका शाम तक बुखार उतर लिया, मैंने कि ये हम जाएंगे एक दो दिन में लेके जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे हम, एक दिन की बात बन जाएगी। तो शाम को उनको फिर चढ़ गया, तो मैंने अब जाना है जब कुछ हो जाए, क्योंकि अब सिग्नल मिल गया तो पहला के लिए जब उन्होंने चैटी चला दी थी ना उस पर, तो उसको विश्वास हो गया था पकड़ लो इसे, हमने को कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने तो हमने कहा प्रोग्राम, तो हमने कहा 27 तारीख को हम शाम को आना चाहते, हमने कहा सर हमें छुट्टी चाहिए 5 दिन की, ठीक है क्योंकि मैं 2 तारीख को आऊंगा और मैं शाम को ही कर पाऊंगा, सुबह नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। अरे मैं कुछ पूछ तो लेती हूँ पूछे ही ना, तो ठीक है मैं तो 27 तारीख को हम आना चाहते थे, एकदम सुबह कर लूंगा ऐसे अटेंडेंस लबाद की फर्जी लगा के और चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई तू आ जाइए सुबह, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, यहाँ पहले ही सुबह कोई नहीं है, मैं आऊंगा और घर जाकर बात करिए, घर जाकर करूंगा। मैंने कहा इसने मना कर दिया नहीं आया, मैंने भाई तू कर ले उसका पेपर, नहीं यार पलवल जाना पड़ता है 1.5 घंटा लगता बाइक से, ठंड बहुत है हाथ ना हो जाए, तो मैं कर लेता। मैंने कहा भाई देख लिया, मैंने भी सुबह वहां से आऊंगा कब पहुंचूंगा, रैली में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने कहा भाई चलो रैली छूट जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो रहेंगे पहुंच जाएंगे। तो उसने फिर अचानक से कहा पीजी वीजी की बात नहीं, पीजी में रख देंगे तुझे, मैं मेट्रो से जाऊंगा पीजी में रहने तू, अब उन्हें बताऊं कैसे वहां जाऊंगा, मामा के जाऊंगा, मामा के अब बल्लागढ़ जाना तो बैठ उससे रह जाऊंगा। तो उसने वहां रखा, उस दोस्त का था, दोस्त है नहीं, वो पेपर देने चला गया, मैं उसने राख दिया, तो मैं ठीक है रह लूंगा। तो अगले दिन मैं सोना पहुंचे था, मैंने एकदम से दिमाग घुमाया, मैंने कहा तो मिल गया श्री माता जी ने दे दिया ये आइडिया। तो मैंने फोन घुमाया पापा घर बुलाए, चाचा घर बुलाया, उसका सेंटर था, मैंने कहा ऐसा करो ये नहीं कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तरीके से बात होती है। तो मैंने कहा जो तुम्हारी चाबी है तुम जरूर पड़ेगी, मैं वहां रुकूंगा, मैं वहां रुकूंगा और वह खाना देंगे 2 टाइम और 3 टाइम शनिवार इतवार को 3 टाइम और वही की वही है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट भी नहीं चलना, 5 मिनट 2-3 मिनट ही है। तो ये है और देख लो ठंड पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मैंने तेरे पापा से अम्मा से बात करके पूछता, मैंने कहा फेल फेल पता नहीं क्या गई, देखते मैं फोन लिया, उनका फोन आया, हमने बात कर ली है, वो कह रहे थे मर गए तो रुक जा है, तो मैं रुक गया खाना वाना, मैंने खाना वाना भी दे दी। तो मैं वहाँ 11 बजे 11:15 वहाँ गया रात को ड्यूटी से, 11:30-12 बजे तक मैंने पैकिंग वैकिंग जो 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 कपड़े सुबह पहन के जाने हैं वो निकाले, सुबह ठंडे पानी से नहाया, तो मुझे गर्म पानी से मेरी नींद नहीं जाती, ठंडे से नहाता हूँ, कहीं तो बर्फ से नहा लेता हूँ। तो मैं नहाया धोया, तो 5:45-6 बजे चलती है मेट्रो पहली गुड़गांव से, मैं 5:45-6 बजे आ बैठा और यहाँ से मैं सीधा फिर हौसघाट से फिर बॉटनिकल गार्डन से बस में बैठ के तुरंत मिली, तो मेरी नहीं चलती है पाई चौक से फिर यहाँ आ गया, तो मैं रेली से पहले पहुंच गया। तो ये करनी है तो अगर फोन कर लिया करो, अभी मेरा फोन आया था रात को जब संगीत चल रहा था यहाँ जगह, तो फोन आया उन्होंने, तो मेरा सिर्फ चौथा मैंने मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर दूसरे कल का फोन आया 10 मिनट बाद, बस कैसे यार तुम फोन नहीं उठाते हो, क्या नहीं, हम ये सोच रहे थे मर गया गिर गया क्या हो गया, मैं भी तुम फोन नहीं करते, मैं कब से परेशान हूँ, दो तीन बार फोन कर लिया मैंने, अरे मैं तुरंत किया था ऐसा है वैसा है, उन्होंने ठीक है पता नहीं वो बिजी होगा ये होगा। तो मैंने कहा ठीक है क्या क्या मिला, मैंने कहा सुबह तो परांठे मिले थे 3-4, अचार मिला, चाय मिली 2 दिन, एक दिन आलू गाजर सब्जी रोटी, एक दिन खीर और पूरी आराम से थी, वे खुश अरे क्यों ना, वे दो तरीका खुश, एक तो वहां मिल रहा था पैसे 10-20-50 खर्च करेगा तो बाहर का खाने के लिए, तो वैसे राजी हो रहे तो खुश है।
तो क्योंकि भैया हम तो यहाँ सारे इसी बीमार पड़ रहे हैं, हमें टाइम भी नहीं मिला, आज हम पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं तो मुझे रोज परेशान करते। तो फिर थोड़ी देर बाद बुआ का फोन आया, उन्होंने कहा वो फोन ही ना छोड़े, मैं वहां गया आगे वो एक साइड पर तो झाड़ी बाड़ी से हुई ना, उस बार चिड़ा में कि यहाँ से माइक वाइक की आवाज ना चली जाए, तो वहां तक गया और फोन के स्पीकर लगा तो वहां तक गया मैं, तो मैंने कहा ये पता ना चल जाए वो और कुछ मैंने क्यों और क्या मेरे को तुम बोलो और कुछ नहीं चले तो फोन ही ना रखे, मैंने माता ने फोन ही ना रखे तो कुंडल ले जा कर कहते वहीं की तो फोन ही ना रखे, मैंने तो चलो छोड़ा तो तब मैं आया। तो यही है यही कहानी, तो कहने का मतलब यही है, अब या तो इधर है या उधर है, और अब ये मांगना है, वाइब्रेशन तो मांगते हो, अब ये मांगो श्री माता जी दुनिया तेरी तस्वीर को एक बार प्रणाम करे हमारे पैर में 10 बार गिरे, और वो हमें लग रहा है जैसे वो दिन आने वाला है कि तुम कह रहे हो माता जी वो है तुम वो ऐसे ही करेगी पब्लिक, तो हम भी तो वही करते थे जो हम करते तो वही बताते हैं। और ये गुरु जी की अभी जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, तो बता रहे थे लाइट चली गई थी, तो हम बोल रहे थे जो सब बढ़ाई कर रहे थे तो थोड़ा सा अहंकार आया, तो उन्होंने तुरंत हमारी बात सुनना बंद कर दिया, मैं समझ गया क्यों बंद कर दिया, तो वाइब्रेशन नहीं बंद तुरंत बंद आते नहीं है, पर आप दिल से समझ जाते तो कहने का यही है, अब हम समझ जाते हैं, अब बोलते रहते क्यों नहीं सुन रहे, वो समझ में नहीं आता, वो जय श्री माधव समझ गुरु जी उल्लू है, अब बहुत गुस्सा ही कर नहीं सकते ना, ये जाहिर भी गुस्सा करे ना इनका गला खराब हो जाता, बोल नहीं पाते, क्योंकि तो मैंने उसमें देखा था लाइव मीटिंग में, तो एक मजबूरी है, ये इधर देखेंगे उधर देखेंगे ऐसे करेंगे, आप गुस्सा नहीं कर सकते। ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। तो ये वो शख्स है कि इन्होंने इनके चाचा ने मुझे फोन किया और कितनी गाली उपचार दी और कहने लगे कहाँ रहता है एड्रेस बता दे और हमें एफआईआर दर्ज करने के लिए आपसे, और तुमने हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करेंगे और अपना एड्रेस बताओ, और तुम मेरे आगे लड़का बर्बाद कर दिया, नंबर कर दिए। मैंने कहा ऐसा है जो कुछ आपने करना तो करोगे, इसमें तो राय है नहीं, तो या तो मेरे एड्रेस क्या करूं मैं आपके घर ही आ जाता हूँ। कह रहे नहीं हम घर नहीं बुलाएंगे बिल्कुल भी, और तुमने हमारा लड़का घर ही बर्बाद कर दिया। तुमने तो डेड स्पिरिट है, वो कहता घर नहीं आना है। तो ये जो बात बता रहे हैं ये इसलिए मैंने इसलिए सुना है, इतनी देर जो लगाई है कि आपको ये पता लग जाए कि डेड स्पिरिट व्यापार भी करता है, डेड स्पिरिट नाजायज सेक्स भी करता है, डेड स्पिरिट मर्डर भी करता है, डेड स्पिरिट सुसाइड भी कराता है, और डेड स्पिरिट पति पत्नी में ऐसा कलेश खड़े कर देगा, सास बहू में खड़ा कर देगा, तो उनमें से एक निमट ही जाती है। तो इसलिए श्री माता जी धरती पे आई, हमें आशीर्वाद दिया, हम दुनिया को दे रहे हैं और उससे दुनिया बचेगी, वरना कोई भी इस दुनिया में बचाने वाला नहीं है। आज ऐसी ऐसी लड़की है जो बहुत ही चरित्रवान है, और उनको लोग समाज के लोग ये कहते हैं ये लड़की बहुत खराब है। जब मैं उसके पास गया बात करी, इवन देन सहयोग में भी, एक दिन मैं गया था, बहुत पुरानी बात है, तो एक लेडी थी उसने मेरा ऐसा हाथ पकड़ लिया सहयोग में, तो मेरे साथ चलना और रिक्शा मेरे साथ, और जय श्री माता जी हूं मैं हैरान, मैंने कि ये क्या तमाम, जैसे उसने हाथ पकड़ा और मेरे पे जो अटैक हुआ मैं समझ गया कि इसकी गलती नहीं। मैं शांत होकर मैंने कहा मैं कोई बात नहीं तुम ठीक हो, और उसकी मियां बीवी की ऐसे बिल्कुल कतई राम राम। खैर श्री माता जी से ये वरदान मिला कि मैं वहां
उनके घर भी चार आए थी, बच्चे थे बड़े बड़े सब, उसके हस्बैंड थे, बोल चाल नहीं थी। मैंने हस्बैंड से सेटिंग करी बैंक में मैनेजर थे, और मैंने कहा ऐसा ऐसा है, और उनने कहा ये ऐसा है, ये ऐसा करते ऐसा करते, मगर इसकी भी गलती नहीं। खैर वो ये हाथ हुआ कि वो ठीक हो गई, और उसने कहा कि मैं उस दिन को याद करती हूँ जिस दिन मैंने आपसे कुछ बोल दिया, मगर नहीं नहीं ऐसा कह लगे पता नहीं कैसे बोल दिया था। मैंने कहा अब तो तुम ठीक हो गए, कह लगे अब तो मेरे हस्बैंड मेरी बात मानते। मैंने कहा तुम हस्बैंड से प्यार से बात करो, सब बात मानो, दोनों ठीक हैं। वो डेड स्प्रिट ने उसके हस्बैंड से बात किया, और उसी ने मेरा हाथ पकड़ा डेड स्प्रिट को कि तुम मेरे साथ रहना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ये जब मालूम होगा, जब आप थोड़े सहस्त्रार पे आ जाएंगे तो हर चीज मालूम होगी, हर चीज मालूम है, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आएगी आपको। वाइब्रेशन क्या वो जब आदमी एकदम सख्त शक्ति में आ जाए तो समझिए नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई दूसरी चीज काम कर रही है। मोटी सी भाषा बता रहा हूँ मैं आपको, जो आदमी सुने ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुने, समझो डेड स्पिरिट काम कर रहा है। मोटी भाषा में बताइए, वैसे तो वाइब्रेशन बेचारे दुखी है, वो मजबूर है। हाँ जब आपको वाइब्रेशन आएंगे ना तो सहस्त्रार जो है वो सब चीज जजमेंट करता है, उंगली पे कई बार डाउट में रह जाते हैं। सहस्त्रार को आपको बिल्कुल जजमेंट करता है, उंगली पे भी जजमेंट होता है, लेकिन कई बार हम डाउट कर लेते हैं कि पता नहीं ये मेरा है किसका है क्या है। डेड स्पिरिट जो है वो अपने आप सब बता देगा, सब कुछ, आपके घर का गेट बता देगा, आपका नौकरी बता देगा, आपने कितने लोगों से मिले हैं, क्या क्या बात करिए, सारी बात बता देगा। आप क्या बात कर रहे हो, डेड स्पिरिट के वाइब्रेशन भी गजब के आते हैं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, श्रीमाते ने बताया ये कि मेरे वाइब्रेशन डेड स्पिरिट से भी आते हैं आपको। अब वो ये आप आगे से सब बात करेंगे। लो दो बात सुन लो, ये कह रहा कि जैसे हमने जब पता लग गया था इससे बड़ी साइंस नहीं है, तो हमने तय कर लिया था कि हम डिग्री करनी है, और हमने पेपर दिए थे ना फार्मेसी, वो तो हमने छोड़ दिए थे खाली, 3 साल हमने पढ़ानी है, कुछ लिख के नहीं आते थे, बैठे रहते थे 9-9 घंटे बैठा देते हमें पढ़ाई के, मैंने कि करना ही है कुछ हो नहीं। तो हमने पेपर खाली छोड़ता है ऑनलाइन में जहां दुनिया पास हुई थी, तो उन्होंने मैंने बताया नहीं था पेपर हो गए, उनको अचानक फोन नंबर मांग लिया, उनको पता लग गया फेल रिजल्ट को, उन्होंने पास में बदलवाया घर वालों ने। मैंने यार इन्होंने क्यों कर दिया, अब 1 साल और घिसेंगे मुझे, और 1 साल और परेशान करेंगे, करो कोई नहीं 1 साल। उनके कागज वागज लो, इसके साइन लो, ये तो बर्बाद कर देगा इस जमीन मम्मी को, मैंने ले लो हम और खुश, तुम लेके जाओगे कहां से, मेरे नहीं जाना तुम। तो उन्होंने किया, फिर दोबारा कर लेगा, पहले तो मना ही करता था, मना कर लेगा, हानि नहीं भर रहा, मैं छोड़ो कर लूंगा मैं और क्या करूं। तो मैंने कर लिया, तो मैंने सेकंड ईयर में भी पढ़ता था ही, कुछ क्लास लेता था, तो क्लास लेके तो पेपर में पढ़ के नहीं गया, हाँ सेशन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो सब पढ़ रहे थे बच्चे, किताब खोल ली तो इंटरेस्ट आ गया थोड़ा बहुत, तो पढ़ लिया हमने, तो पेपर में पढ़ के जाता नहीं, तो पढ़ लिया तैयारी, सुबह उठा सर किया उठा भी देते थे, पढ़ना नहीं, वो आ जाए तो लिखता रहता था, पता नहीं क्या लिखता था, कॉपी भर दी मैंने, मैंने करना ही नहीं है, डिग्री लेनी है, डिग्री यही लेनी है, नहीं तो बाकी भीख मांग गुजारा चला देंगे, पर वो लेंगे ही। तो उसके बाद हमने ये शुरू में पेपर खोला, हमने जिस शुरू के पेपर होते जिसमें हमको कुछ भी नहीं आता था, जैसे लिखू मैंने किया ये तो पास, किस्मत पास गई, हमको दूसरे पास गई, तो तीसरे मोसायर यार तो पास हो जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा सारा। अब तीसरे में हमने लिखा ही नहीं कुछ, एक ही लाइन लिख पाया एक नंबर, टीचर बुलाए जरा, और उनमें लिखा है जिनमें हम आता था, उनमें तो 50-60 नंबर आ जाते 70-80 पेपर में से, तो उन्होंने बुलाया एक बार बता, क्योंकि सेशन में हमने लिखे थे और बताते थे, तो क्लास में लेते थे तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या लिख के लाया, तुम फेल तो होगे बेटा तुम, बनारस की थे, मैं सकल तो
पागल कुछ बनानी पड़ती है, क्योंकि वो नंगी ठीक है क्या कर है? तो नंगी फेल ही होना चाहते करो ना तुम। लिख के अक्सर मैं चला था कि पता ना चल जाए, घर पर फोन कर दे टीचर को, पहले सेटिंग थी उनकी, सेटिंग का जो उन्होंने कह के करा लिया था। तो उन्होंने भाई और टीचर बुलाया, भाई मोहित को भेजना, उस सर बुला रहे तुझे। उनका उनसे बोल मैं बजा रहा हूँ, मैं लेट हूँ। मुझे बता दी किसी ने बुला रहे, उसने कह दिया भाई दो मिनट आ जाए बस। मैंने दो मिनट में गया, तो ये काम करो वो। हाँ भाई क्या कर रहा तू, क्या लिखा है तू, पोसोलॉजी पोसोलॉजी एक लाइन लिखा है। तो मैंने कहा जी आता ही नहीं कुछ। अरे चल कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ ढंग का तो वैसे लिख दे, उसी क्वेश्चन को लिख दे। वो मैं लिखू तो जम्मू जम्मू पास होना, वो एक ही नंबर का लिखा है। तो उन्होंने कहा भाई तुम बेटा फेल हो गए रे, ऐसा है तुम समझ के आ रहे हो, हमें तुम कुछ भी लिखोगे हम पास कर देंगे, फेल कर देंगे, 5-6 हजार रुपए लगेंगे एक पेपर के, अलग से देने पड़ेंगे तुम्हारे जब कल आएंगे ठिकाने। भाई पढ़ लेना, दो पेपर बचे हैं पढ़ लेना तू। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर काम कर, मतलब 5 बजे तक मुझे लैब में काम करवाइए, मेरा सामान हारे जा, घर तो क्या पड़ेगा। वो टीचर कहे सर इसको भेज दो, कोई नहीं है फेल हो जाएगा। अरे घर कहाँ पड़ेगा, ऐसा कर अगले दिन यहीं आना है। मैंने ठीक आऊंगा, तुम छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे धोने ही फेल, मैं भी जाऊँगा पास, पास होना तो हो ही नहीं जाता। तो मैं ले गया, उनमें मैं ऐसे लिखता है, और भाई मतलब उसकी दवाई उसमें घुसा दी, उसकी दवाई उसमें घुसा दी, क्या लिख रहा है, सब में एंटीबैक्टीरियल डाल दो। मैंने ऐसा ही, तो कहने का मतलब रिजल्ट आया, और मुझे लग रहा था मैं एक अक्षर भी लिखता हूँ ना ये पास होऊंगा मैं, मुझे लग रहा था। मैंने कह रहे लिखना नहीं चाहिए, लिखूं कैसे नहीं, 1.5 घंटे से पहले भेज रहे मैं सर करके बैठ जाऊं, क्योंकि तो पेपर हो गया। मैंने कि नहीं हुआ जी, फिर लिखना पड़े, तो एक लाइन लिखी लिखी, क्योंकि तो ना लिखूं तो वे नहीं हुआ भाई क्या है, लिख के ना फेल होगा। तो भेज, तो मैंने कि भाई ऐसा है अब एक लाइन छोड़ दो, फिर तो हम चारे पर लग नहीं रहा होंगे, क्योंकि पहले भी काम हो गया, तो मैंने कि पास कर देंगे मुझे लग रहा है। फिर मैंने कि जब होंगे तो होंगे, भगवान के छोड़ देंगे, धरवाने के समझ में होगा तो हो जाएंगे, हमें तो चाहिए नहीं। तो अब रिजल्ट आया तो हम पास, कोई 25-30 बार कोई एक पेपर में, कोई दो पेपर में, कोई 3 पेपर में फेल। और वो तो कुछ लिख के आया हो तो पढ़ा भी, उन्होंने नकल भी मारी, नकल पढ़ लेते, नकल ले जा। मैंने कि नहीं मुझे पसंद आता है और नकल चाहिए ही नहीं। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है, जो परमात्मा को करना हो परमात्मा करके छोड़ता है। अब मैं ड्यूटी के लिए आया नहीं, तो जो पैर में लगी थी मेरे घुटने में, तो मैंने कि आप ड्यूटी जाएंगे, गुस्से में आया था गुड़गांव जिले फार्मेसी में, और मैं आया तो उसने बता भाई ये पूछेगा, ये पूछेगा, मेरे पे अक्सर नहीं आता, ये पता है, नहीं पता है, ये पता है भाई तुझे ट्रेंड करना हूँ पहले, मैंने कि ये पता है, पता है क्या है, मैंने नहीं पता। तो मैंने कि भाई ऐसा है, मैंने कहा नौकरी तो लगवाने वाला है नहीं, लगाने पर इससे मिल गया जरूर लेंगे, इतना पूछता है, क्योंकि नौकरी तेरी लगनी हुई, अब कहीं और देख, और वहां 10,000 में जो कर रहा है उसी पे कर, 9-10 घंटे कराता काम, डिलीवरी कराएगा। तो उसके साथ एक और बड़ा साहब आया उसका, उसने हमारा लिए उसने भी जाओ, मैंने कहा ये तो दूसरा लो हम बिना बात सिलेक्शन, तो क्या तेरे पास कॉल आएगी दिल्ली से, दिल्ली हम गए तो वहां से, जब वो कह रहा था जब उसको पता लगा इसका हो गया, अरे यार इसको क्यों ले, इसको कुछ आना जाता है नहीं। अब वो अपने साथ का था लड़का, सर कर लेगा कर लेगा, अच्छा लड़का उसके तो मेहनत किया, छेदा लड़का कर देगा। अब मैं वहां उसको पता तो है, तो कह रहे यार तेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ, मुझे लगता नहीं तेरे समझ में बैठ रहा है, क्या करेगा तो क्या करेगा। अब उसने ट्रांसफर करा दिया, हम ही संभालते स्टोर को, बाकी वो चल रहा, हमें स्वाद उसमें आता नहीं, हमें तो इसी में आता है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये साधारण है, ये खोजी हम लोग होते हैं, और जो हमारे साथ गुजरी वो गुजर रही है, और हम भी कभी कभी बहुत, ये तो इतना सुखा है यहाँ तो मारपिटाई तकड़ी हो जाती थी, और ट्रेन के टिकट विकट भी कैंसिल हो जाते, और वहां तक की चेकिंग हो, और मेरी यहाँ भी CID बैठी हुई होता है जो मेरी न्यूज रखते हैं। हाँ अभी न्यूज चली गई होगी, अब चली जाएगी 2-4 दिन में पहुंच जाएगी, और बिल्कुल खर यहाँ बैठे बैठे ही खराब करते हैं मेरे,
मैं इसलिए सहयोग इनसे बहुत कम पसंद करता हूँ मिलना, सेमिनार करना भी पसंद नहीं करता, किसी के घर ठहरना पसंद नहीं करता, किसी घर जाना पसंद नहीं करता, सब भेद मेरा दे दे। मैं प्यार से कुछ बोल जाता हूँ वही मुझे वहां बता दे, फिर मेरे पर डंडा चलता। तो इसलिए मुझे बहुत डरे डरे रहना पड़ता है कि भैया कुछ ऐसी बात मुझसे ना निकल जाए, ये पता नहीं कहाँ पहुंचा। हाँ, एक तो यही बैठी आ गए, इन्होंने बेड़ा कर रखा है, हाँ सारा माल इन्होंने छीना, इन्होंने छीना, जीरो कर दिया जीरो, जो क्लास में पढ़ता था आज मैं वो हूँ। कहना नहीं, अब हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि